शादी से पहले कभी कुकिंग नहीं की थी, मगर जो है मेरे हस्बैंड का एक शादी से पहले ये था कि जी आपको कुछ खाना पकाना आए ना आए आपको डोसा बनाना आना चाहिए। मेरा नाम मिसेज नूरैन खालिद है, मुझे नूर्स किचन स्टार्ट किए हुए जो है 5 साल हो गए हैं। बेसिकली आई एम पाकिस्तानी, माय मदर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया चेन्नई। डोसा, इडली, वड़ा, सांभर, जो डिफरेंट तरह टाइप्स की चटनीज़ हैं वो सारी मैंने अपनी अम्मी से बनानी सीखी, क्योंकि अम्मी घर में बनाती थी, अम्मी को देखते हुए शौक़ पैदा हुआ चीज़ों को बनाने का। डोसा के बैटर में जो है चावल और माश की दाल होता है, तो इसको जो है पहले सोक करते हैं, फिर उसके बाद उसको जो है ग्राइंड करते हैं, फिर फर्मेंट करते हैं, और फिर उसके बाद डोसा बनता है ये। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारे मसाला डोसे के साथ चटनियाँ सर्व होती हैं, करी पत्ता चटनी, टोमेटो चटनी, कोकोनट चटनी, ये सब घर पे तैयार की जाती हैं, और देखने में लगता है कि डोसा बनाना बहुत सिंपल है, मगर जब बनाते हैं तो फिर इसे टेक्निक। जो ऑथेंटिक और जो ट्रेडिशनल है वो मसाला डोसा है, दैट इज़ विद पोटैटो फिलिंग। उसके अलावा हमने फिर यहाँ पे नूर्स किचन में जो है इसका फ्यूजन किया है, हमने इसमें चिकन ऐड किया है, चीज़ किया है, चिकन चीज़ है, मसाला चीज़ है, कॉटेज चीज़ है। फिर उसके बाद लास्ट ईयर हमने पिज़्ज़ा डोसा ट्राई किया था, तो वो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। फिर न्यूटेला डोसा ट्राई किया हमने। डोसा के अलावा हम इडली, वड़ा, सांभर करते हैं, जो वो भी साउथ इंडियन डिश है, मतलब साउथ इंडियन के अब तो साउथ एशियन डिश है, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, काफ़ी जगह पर ये खाया जाता है। और सांभर में जो हम लोग बनाते हैं उसमें जो है हम अपने घर की उगाई हुई होम ग्रोन मोरिंगा स्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। मैं बचपन में गई थी इंडिया, मैंने वहाँ खाया था डोसा, और जो मेरी अम्मी बनाती थी डोसा एग्जैक्टली उसका वही टेस्ट था जो वहाँ पे मिलता था। अब मेरी पूरी कोशिश यही है कि वही चीज़ जो है मैं अपने कस्टमर्स को और अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे सर्व करूँ।